हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल गवर्नमेंट न्यूज एंड नोटिस पर। आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार के इसी साल दिसंबर में 4 साल पूरे हो गए और आगामी वर्ष 2023-24 में चुनाव होने, तो सरकार अगले बजट यानी कि इस बार 2023 का बजट जल्द पेश कर सकती है, क्योंकि कुछ मंत्री सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो इस पर सरकार रोक लगाने के लिए जल्द बजट सत्र शुरू कर सकती है। इसलिए इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, तो वे कौन कौन सी घोषणाएं हो सकती हैं उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि इस बार सरकार किसानों, बेरोजगारों, विद्यार्थियों के अलावा महिलाओं सहित हर वर्ग पर जमकर पैसे बरसाएगी। तो किन किन को तथा कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक करने का कहने पर भी लाइक नहीं करते हैं, ये मुझे पता है भाई, कर दो, एक क्लिक पर आपका कुछ नहीं जाता है। चलिए जानते हैं खुशखबरियां एक एक करके। खुशखबरी नंबर 1 यानी कि खुशखबरी नंबर 1, इस बार सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को खुश करने के लिए तैयार है, इसलिए सरकार इस बार किसानों का बकाया ऋण माफ कर सकती है। पिछली बार जो ऋण माफ किया वो बहुत कम था, इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने के लिए अधिक से अधिक किसानों का ऋण माफ हो सकता है, इसलिए किसान अपने नेताओं से पिछला वादा जरूर पूरा करने की मांग करें। ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी क्या है वो अब तक नहीं आई है। खुशखबरी नंबर 3 बेरोजगारी युवाओं के लिए है। जिन युवाओं को कई साल से नौकरी का इंतजार था, उनका सपना पूरा हो सकता है। सरकार ने बताया है कि इस बार का बजट युवाओं पर आधारित होगा, क्योंकि पिछला बजट किसानों पर केंद्रित था, इसलिए इस बार युवाओं को लगभग 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दे सकती है सरकार, इसलिए बेरोजगार युवा तैयार रहें। तीसरी खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 2019, 2020, 2021 में 8वीं, 10वीं या 12वीं पास की है, और या फिर 12वीं में है, यानी कि 2022 में 12वीं, 8वीं या 10वीं पास करेंगे तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा। सरकार ने बताया है कि सरकार जो फ्री लैपटॉप वितरण की योजना चला रही थी, उसका सही से वितरण नहीं हो सका, इसलिए अब यानी कि 2023 में सबको एक साथ 1 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। इस पर जैसे ही कोई खबर आती है तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।